जशपुर जिला पुलिस ने छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर स्थित मवेशी तस्करी का बड़ा केंद्र साईटांगा टोली गांव में बुधवार को अल सुबह तबीश दी। 125 पुलिस कर्मियों की 5 टीमों ने छापामार कार्रवाई कर गांव में तस्करी के लिए रखे गए 35 गौवंशों को छुड़ाया। वहीं आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया। एसपी शशि मोहन ने पुलिस कर्मियों की 5 टीमों को लेकर साईटांगा टोली गांव में सुबह 4 बजे से दबिश दी। इसके पहले मवेशी तस्करों की नींद खुलती पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तस्करी के लिए कैद रखे गए 35 गौवंशों को छुड़ाया। साथ ही तस्करी प्रयुक्त होने वाले 14 वाहनों को भी जब्त किया। इसके साथ मवेशी तस्करी में संलिप्त आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। बच्चे लोग, सब यंग बच्चे लोग है ना, साई टांगल टोली जो आपका गांव है, ये गांव किस नाम से जाना जा रहा है? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ? आज इतनी सारी पुलिस आई है आपके गांव में, क्या छवि लेकर आई? इस गांव की पहचान क्या है बाहर की दुनिया में? आप लोग चाहते हो कि यही पहचान रहनी चाहिए गाँव की? गाँव में इतने सारे लोग, कितनी जनसंख्या है सरपंच? 2500 की जनसंख्या में मुश्किल से 200 लोग होंगे, वो भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 200 लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं। बाकी लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, टीचर है, कोई कुछ सब कुछ ना कुछ जीवन यापन काम कर रहे हैं ना। लेकिन बदनामी किसकी है? पूरे गाँव की, एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप पुलिस को अपना दुश्मन मत समझो, ये इतनी सारी पुलिस आपसे लड़ने नहीं आई है, ये आपको एक आईना दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो आपके गांव की, आपको पता है कि जसपुर पुलिस पशु तस्करी का एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत आज साई टांगर टोली जो पशु तस्करी के लिए कुख्यात गांव है, आज लगभग 125 की संख्या में हमारी पुलिस टीम गई। 5 टीम बना के हम लोगों ने गांव को पूरी तरीके से कॉर्डन अप किया और उसके बाद सर्चिंग की प्रक्रिया चालू की गई। यहाँ पर 4 अलग अलग बाड़े बने हुए थे, जहाँ पे हमने 37 गौवंशकों को गौवंश के पशुओं को पशु तस्करों से यहाँ से रेस्क्यू किया। उसके बाद हमें 14 गाड़ियाँ मिली है, जिसमें 7 पिकअप है और अन्य वाहन हैं, और 9 लोग अभी तक हमारे पास आ चुके हैं जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड है। इन सबको अभी थाने लाया जा रहा है, प्रक्रिया अभी जारी है। और आज जब हम लोग गाँव में पहुँचे तो यहाँ का एक इतिहास रहा है कि जब भी पुलिस पार्टी जाती है तो ये लोग पुलिस से उलझते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इनको साइकोलॉजिकली इस तरीके से इन पे हम लोगों ने अटैक किया हुआ था कि आज इस तरह की स्थिति बनने नहीं दिया हम लोगों ने। और पुलिस की सख्त कार्रवाई से आज का जो हमारा अभियान सफल रहा है, और आने वाले दिनों में भी इस तरह का अभियान पूरे जसपुर से हम लोग पशु तस्करी को ख़त्म करने का जो अभियान हम लोगों ने छेड़ा है, इसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।